नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने प्रेस वार्ता कर राज्य में मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दी है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल वोटरों की संख्या 42,43,423 है, जिसमें से कि अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की संख्या 42,70,600 है। वहीं महिला मतदाता की संख्या अगर बात करें तो 29,72,540 है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मतदाता 30 से 50 आयु वर्ग के हैं। वहीं बात करें दिव्यांगों की तो दिव्यांग वोटरों की संख्या 70,000 बताई जा रही है। इसी के साथ ही वी षणमुगम ने यह भी बताया कि 100 वर्ष और इससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,411 है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं बने हैं वो अभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। सोशल मीडिया का नमस्कार। जैसे कि कमीशन की निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार आज 22 जनवरी 2024 को फाइनल पब्लिकेशन है। इसमें हमारा एसएसआर एक्टिविटी के दौरान फाइनल पब्लिकेशन में टोटल मतदाता है 82,43,423 है। इनमें से मेल मतदाता है 42,70,597, फीमेल मतदाता 39,72,540, ट्रांसजेंडर 286 है। इसी प्रकार का सर्विस वोटर्स है 763, फीमेल 2,594 है। सो हमारा टोटल पोलिंग बूथ है अर्बन एरिया में 3,461, रूरल एरिया में 8,268, इस प्रकार का 11,729 पोलिंग बूथ है। भी डेटा दिया है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 18-19 ईयर्स है, इसको हम लोग 1,29,062 है। सो हमारा एसएसआर के दौरान टोटल एडिशन हुई थी 2,57,933, टोटल डिलीशन है 1,58,011। इनमें से डिलीशन का कारण बताया है 13,100 डेथ के कारण से डिलीट किया गया है, शिफ्टेड के कारण 1,18,073, रिपीटर और मल्टीपल एंट्रीज के कारण 26,838। दून अस्पताल के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि 570 बेड का नया टॉवर दून अस्पताल में बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और लगभग एक साल के अंदर इसकी पूरी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य रूप से पीडियाट्रिक्स विभाग, स्त्री रोग विभाग, बाल रोग विभाग, सर्जरी विभाग और ऑर्थोपेडिक्स मुख्य रूप से इन चारों विभागों को इसमें शामिल करने का प्रावधान किया है। बता दें कि डॉक्टर आशुतोष सयाना ने यह भी बताया कि इस 570 बेड के टावर में मुख्य रूप से जैसे रेडियोलॉजिस्ट की जांच, ओटी की जांच या ब्लड बैंक हो। उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों को अस्पताल के अंदर तक ना आना पड़े, ऐसे में ये सुविधा शुरू में ही एक टावर के मरीजों को उपलब्ध कर सकेंगे। अभी एक नए जो है टावर जिसमें कि 570 बेड का जो है प्राविधान रखा गया है और उसका निर्माण कार्य जो है अभी प्रारंभ हो चुका है और मुझे लगता है शीघ्र ही लगभग एक साल के अंतर्गत बनने की संभावना है। इस टावर में हम मेनली गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें स्त्री रोगों का इलाज किया जाता है और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, बच्चों का डिपार्टमेंट और सर्जरी विभाग और ऑर्थोपेडिक्स,
इन मेन चार विभागों को जो है उसमें स्थान देने का प्रावधान किया है, और लगभग 570 बेड का जो है जो टावर बनेगा उसमें हम ओटी की व्यवस्था है, और इसमें जो है जितने भी हमारी जांचें होती हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी की जांचें हों, चाहे वो ब्लड बैंक हो, तो ये इसका भी जो है प्रावधान रखा गया है ताकि मरीजों को बहुत अंदर चिकित्सालय के अंदर तक ना आना पड़े, और इस भवन के शुरुआत में ही और ग्राउंड फ्लोर में ही जो उत्तराखंड में क्वालिटी चेंज के चलते अगर बात करें तो प्रदेश में बर्फबारी और कभी बारिश का समय पर ना होना आने वाले समय में नदियों और जलाशयों को सुखा सकता है। ऐसे में राज्य सरकार का मानना है कि नदियों में जगह जगह पानी रोका जाए। इस बात की जानकारी सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि नदियों में पानी को रोकने के लिए 8 से 9 DPR तैयार हो चुके हैं। पानी को रोकने से नदियां जहां रिचार्ज होंगी वहीं पर इनका रिवाइवल भी हो पाएगा। उनका कहना था कि ये योजना जल्द ही धरातल पर उतारी जाएगी। ये जो आने वाले जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बर्फ नहीं गिर रही, कभी बारिश नहीं हो रही, समय पर सब चीज़ें, उसी के लिए हमारी सरकार भी गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि नदियों में जगह जगह पानी को इकट्ठा किया जाए, रोका जाए, खास करके लीन पीरियड में, तो उससे रिचार्ज भी होगा और आगे नदियों का रिवाइवल भी होगा, उससे पुनर्जीवीकरण भी होगा। अट्ठाईस जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा तय हो गया है। वो देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बताया कि शुक्रवार को स्वयं उन्होंने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे को अंतिम रूप दिया। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी है। वही सम्मेलन में 10,000 कार्यकर्ताओं को जिताने का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बन्नू स्कूल रेस्क्रॉस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। अध्यक्ष जी का एक दिवसीय दौरा है और वो उत्तराखंड आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और हमारे विधायकगण हैं, जिला अध्यक्षगण हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, इन सब से मुलाकात भी करेंगे, और पन्नू ग्राउंड में मैदान जो रेस कोर्स के पास है उसमें माननीय अध्यक्ष जी की सभा होगी। सभा में हर बूथ से 2-2 व्यक्तियों को हमारा बुलाने का विचार हो रहा है, और जो हमारे बूथ के अध्यक्ष और बूथ का BNE 2-2 व्यक्ति वहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीधे बूथ कमेटी के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे शक्ति फार्म क्षेत्र में भंडारे का आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ जगह जगह शोभा यात्राओं का आयोजन भी किया गया। बता दें कि इस अवसर पर लोगों में एक अलग ही हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। जगह जगह लोगों द्वारा पटाखे फोड़े गए और इस दिन को भी दिवाली की तरह मनाया गया। सबको बहुत बहुत बधाई आज इस पर्व पर। आज ये एक महापर्व बनने जा रहा है, इसके लिए हम सभी को, सभी देशवासियों को एक बार जय श्री राम कहना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मोदी जी के प्रयास से हमारा देश जो है एक महापर्व की तरफ बढ़ रहा है, एक विश्व शक्ति बन के उभर रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे छोटा सा ग्राम सभा पिपलिया ग्राम सभा, जिसमें छोटा सा गांव है जयनगर, इसमें भी हमने हमारे सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सका हम लोगों ने एक छोटा सा भंडारे का आयोजन किया है, एवं उसके साथ ही सभी ग्रामवासियों के सहयोग से एक छोटा सा पंडाल बना के आज इस पर्व को मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः इस देशवासियों को एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और ऐसे ही हमारे मोदी जी काम करते रहे, हिंदुत्व का नाम बढ़ाते रहे।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर हल्द्वानी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दीप उत्सव का आयोजन किया। बता दें कि जगजगमाती दीयों से सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भारत का नक्शा बनाया गया और देश के सभी लोगों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्ह पर चलने का आह्वान किया गया। जगमग हुए दीयों से भारत का नक्शा बहुत ही आकर्षक और मनमोह लेने वाला था। बता दें कि दूसरी तरफ श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखने के लिए हल्द्वानी शहर में 5 से 6 एलईडी वॉल्स भी लगाई गई थी। इन एलईडी वॉल्स के जरिए अयोध्या राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव प्रसारण दिखाया गया। बताते चले कि हल्द्वानी के तिकोनिया रोडवेज समेत अन्य चौराहों पर ये सभी एलईडी वॉल्स लगाई गई थी। एलईडी में 24 घंटे राम भजन चलाए गए जिससे कि राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। राम जी के पुनः अयोध्या धाम में विराजमान होने की खुशी में आज 5100 दीपों से भारत का नक्शा बनाकर जय श्री राम लिखकर पूरे देश को दीपमय करने का प्रयास किया है और हम सभी को बहुत खुशी है कि राम भक्तों की त्याग तपस्या बलिदान के बाद लगभग 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य आलोकित मंदिर बनकर तैयार है। उसमें प्रभु श्री राम विराजमान है तो पूरा देश राममय है क्योंकि और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मामले को बहुत दिन से जो राजनीति का एक विषय बना था उसको समापन किया और देश में राममय करके सबको एकता के राह पे चलने को और राम के संदेश को के आगे चलने पर और देश हित में और राष्ट्र हित में धर्म हित में कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है हमको प्रभु श्री राम से। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के साथ साथ विकास नगर में भी दीपावली मनाई गई। विकास नगर क्षेत्र में रात्रि में दीपावली का त्योहार मनाया गया। लोगों ने अपने घरों के दिए जलाए और बम पटाखे फोड़कर प्राण प्रतिष्ठा के इस विषय पर जो है वो मनाया गया। बता दें कि कई जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। वहीं मार्तन वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान गुरुकुल में भी 108 दिए जलाकर श्री राम जी का स्वागत किया गया। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रदेश के साथ साथ जसपुर का गढ़ीनेगी भी राममय हुआ। बता दें कि गढ़ीनेगी में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर रामलीला मैदान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें कि सर्वप्रथम विशेष पूजा अर्चना की गई तथा भजन और झांकिया प्रस्तुति के साथ साथ राम भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्तों ने भाग लिया और राम भजनों पर राम भक्त जमकर थिरके। इस दौरान राम भक्तों ने जमकर आतिशबाजी की। इसके अलावा जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन देखने को मिला। प्रभु राम की जो 500 वर्ष पुरानी प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में आज प्रभु राम की सफल कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हो रही है जिसमें आज ग्राम गढ़ीनेगी में हमने सभी ने मिलकर प्रभु राम की लीला का मंचन किया, भजन गाए और नगर कीर्तन हुआ और लंगर का आयोजन हुआ और प्रभु राम की शाम को आरती होगी और आतिशबाजी होगी जिससे पूरे क्षेत्र में पूरे गांव में देशों में विदेशों में प्रभु राम का आयोजन हो रहा है बड़ी धूमधाम से। आज गढ़ीनेगी में नहीं पूरे देश में उत्सव का माहौल है, दिवाली का माहौल है। 500 वर्ष बाद हमारे आराध्य देव तो उसमें हमारा गांव भी अछूता नहीं है। आज सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, 9 बजे से हवन, उसके बाद बहुत ही सुंदर भजन भेंट किए गए हैं मंडली द्वारा और अब भंडारा, उसका शाम को पूरी दीपावली मनाई जाएगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा।
फिर इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम? शाम के समय हनुमान चालीसा, राम आरती और आतिशबाजी, दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा और हमारा जो है प्रयास रहेगा कि हर वर्ष 22 जनवरी को इसी तरह से और भी भव्य कार्यक्रम हर वर्ष मनाएं। जय श्री राम। मैं अध्यक्ष पंकज छावड़ा पंजाबी महासभा गढ़ी नेगी से आप सभी क्षेत्रवासियों को राम मंदिर बनने की तरफ से और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तथा राम भगवान राम की कृपा सभी पे बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। 500 वर्षों बाद आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 62 विधानसभा जसपुर में हमारे ग्राम गढ़ी नेगी में किया गया है। सुबह हवन का कार्यक्रम, उसके बाद भजन संकीर्तन का कार्यक्रम, शाम को आरती पूजा और प्रभु श्री राम का अटूट लंगर सर्व धर्म प्रेमी जनता को मिल रहा है और उनका शुभ आशीष आशीर्वाद और शुभ आशीष सभी राम भक्तों को प्राप्त हो रहा है और इसी भगवा में माहौल में जो है वातावरण प्रभु श्री राम का राममय हो गया है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नैनीताल में भी इस मौके पर अलग अलग जगहों पर श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कई कार्यक्रमों का आयोजन देखने को मिला। मां नैनी देवी व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा बड़ा बाजार और खड़ी बाजार को फूल और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। व्यापार मंडल की ओर से इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी देखने को मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज नमो नव मतदाता सम्मेलन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री विपुल मेंदौली ने बताया कि 25 जनवरी को पूरे भारत में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नमो नव मतदाता सम्मेलन को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइव संबोधित किया जाएगा। वहीं नव मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम वोटर से सीधा संवाद करेंगे। प्रेस वार्ता का विषय जो आज मुख्य विषय है वो नव मतदाता सम्मेलन है। आगामी 25 तारीख को सुबह प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रदेश के और पूरे देश के नव मतदाताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है और प्रत्येक विधानसभा में मिनिमम 1000 की संख्या कार्यक्रमों की रहने वाली है। जो नव मतदाता होंगे मिनिमम 1000 होंगे और हमारा लक्ष्य जो पूरा उत्तराखंड का है 1,00,000 नव मतदाताओं से संवाद का उस दिन है, क्योंकि कई बार कई विधानसभाओं में 2 कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो हम अधिक से अधिक ये कार्यक्रम में जितना नव मतदाता जुड़ेगा इसकी हमारे युवा कार्यकर्ताओं की कोशिश है और इसी में युवा मोर्चा भी लगा हुआ है। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।